गाइस इस बड़े लोकेशन में जो है हम लोग बहुत सारे फोटो खींचा। सो गाइस हम जो है इस बड़े लोकेशन में आके पहुंच गए। भाई कितना साफ रोड है, रोड जो है ना गाइस पूरा सीधा रोड है। इसको चला के ना मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो गाइस हम लोग ऑलमोस्ट स्टूडियो बाहर आके पहुंच गए। यहाँ पे लिखा है श्री श्री सूर्य पहाड़। ओके हेलो गाइस कैसे हो, वेलकम बैक टू YouTube चैनल राइट ब्रेक लाइफ पर। दोस्तों आज का टाइटल है थंबनेल लेके आपको जब मैं आ गया। जी हाँ आज हम जा रहे हैं गुवाहाटी टू सूर्य पहाड़ ग्वालपारा। तो आज के इस ब्लॉग में गाइस बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा, आप लोग एंड तक बने रहना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे और मज़ेदार वीडियोज़ के लिए। तो आज का वीडियो गाइस बिल्कुल भी स्किप मत करना, बहुत अच्छा अच्छा सीन मिस करोगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। एंड अंदर जो है मेरा डोम को यानी डोमिनार 250 को यहाँ पे सर्विस भी कर दिया। तो चलो अभी मैं आपको सीधा बाहर में जाके मिलता हूँ। तो अमित भाई आप लोग अच्छे से जाना, टाटा बाय बाय। Few moments later. So guys हम जो है इस बड़े लोकेशन में आके पहुंच गए। हम लोग ऑलमोस्ट गुवाहाटी क्रॉस कर चुके हैं। तो यहाँ पे है झालोकबारी एंड यहाँ पे एक दुकान भी है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा रुक के चाय वाय खा लिया। एंड गाइज आज का वेदर देखिए ना भाई, कितना अच्छा वेदर होके रखा है भाई। ऐसे वेदर होने से ना भाई कहीं पे घूमने जाओ एकदम मजा आ जाता है। एंड मेरा डोमिनार जो है गाइस, मतलब इसको चला के ना मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप लोग इसे मतलब एकदम आंखें बंद करके परचेस कर सकते हो। तो यहाँ से मोटर ब्लॉगिंग स्टार्ट होगा, बहुत ही मजा आएगा वीडियो में, आप लोग एंड तक बने रहना। तो चलो आपको मैं सीधा मोटर ब्लॉगिंग फ्रेम में मिलता हूँ, चलो। ओके गाइस चलो अब इस सफर का मजा लो। तो फिलहाल तो गाइस हम लोग जा रहे हैं सूर्य पहाड़, महादेव का टेंपल है एंड वहाँ पे 99,999 शिवलिंग है, जैसे कि मैंने एजमेन भाई का वीडियो में देखा था। चलो अभी राइट का मजे लो एंड आसपास का व्यू भी गाइस काफ़ी सही है। तो चलो ओ भाई क्या व्यू आ रहा है गाइस, आप लोग देखिए लेफ्ट साइड में। ओ माय गॉड गाइस हम लोग जो है फाइनली गुवाहाटी से ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर आगे पहुंच गए एंड यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा लोकेशन देखने को मिला भाई। लोकेशन क्या जबरदस्त है, ओ भाई क्या अच्छा लग रहा है। तो रिक भाई लोकेशन तो बहुत अच्छा है भाई, कुछ तो बोल रहा हूँ। हाँ पूरा रोड भी भाई पूरा खाली है एंड आज का वेदर भी काफ़ी अच्छा है। तो गाइस मैंने जो है अपने साथ ये बड़ा चश्मा, वाइट वाला चश्मा, वाइट वाला ग्लास कैरी करके लाया था, बिकॉज यहाँ पे जो है ना बहुत मच्छर है रोड में। अगर लंबा राइड में जाते हो तो ये बड़ा चीज़ ज़रूर से पहना करो, काफ़ी अच्छी चीज़ है। ऑलराइट गाइस हम लोग जो है फाइनली होटल में आके पहुँच गए। तो यहाँ पे हमने एक पराठा ब्लैक ले लिया एंड वो रहा मेरा डोमिनार जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो मैं आपको सीधा पराठा वराठा खा के मिलता हूँ, चलो। सो गाइस हम लोग का खाना पीना हो चुका है डन। तो यहाँ से जो है हम लोग का डेस्टिनेशन और 75 किलोमीटर है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, हम लोग भी राइड का मजा लेते हैं एंड आप लोग भी लेते रहिए मेरा वीडियो के द्वारा। तो चैनल को बने रहो एंड जो जो नया व्यूअर थे ना गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे भी और अच्छा से इसी तरह का वीडियोस आने वाला है। तो चलो गाइस अभी हम मेरा डोम को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके चलो। So guys, हम लोग जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल से जगह में आके पहुंच गए एंड आप लोग मेरा चारों तरफ का गाइस व्यू देखना भाई, कितना साफ रोड है एंड रोड जो है ना गाइस पूरा सीधा रोड है एंड मेरा देख सकते हैं व्यू भी आप लोग देख लीजिए भाई, क्या मक्खन रोड था। मेरा तो GoPro का कैमरा ऑफ था इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाया, लेकिन भाई रोड जो है ना भाई क्या ही बोलो, मतलब रोड तो भाई 10/10 भाई, एकदम 10/10। एंड भाई आप लोग तो जानते हो डोमिनार टूरिंग के लिए फेमस है इसलिए मेरे को टूर करने में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है एंड रोड जो है ना गाइस बहुत ही अच्छा है। तो मेरा मुंह में कुछ है इसलिए। A few inches later. All right guys, हम लोग का इस बड़ा लोकेशन है, फोटो वोटो खींचना हो चुका है डन एंड भाई रोड का तो क्या ही बोलो। तो इस बड़ा रोड में मेरा बाइक को मैं थोड़ा सा भगाऊंगा, आप लोग भी मजे लीजिए। चलो
ओके सो गाइस जस्ट नाउ जो है ना हम लोग इस वाले रोड में आके पहुंच गए एंड मेरा दोनों तरफ का गाइस आप लोग व्यू देखिए ना, ओ माय गॉड गाइस क्या ही बोलो भाई, क्या ही का घना सा जंगल है, ओ माय गॉड गाइस अनबिलीवेबल रोड गाइस अनबिलीवेबल रोड। तो गाइस इस वाला लोकेशन में जो है हम लोग बहुत सारे फोटो खींचे, आप लोग इंस्टा पे जरूर से चेकआउट करना, हैंडल डिस्प्ले हो रहा है। एंड भाई क्या ही बोलो भाई, लोकेशन इस वाला लोकेशन में मेरा डॉम को लेके आके ना मुझे तो भाई काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो रिक भाई कैसा लगा ये वाला लोकेशन में आके? भाई ये लोकेशन में पहली बार आ रहा हूँ और मेरी बात मानो तुमको भी आना चाहिए। हाँ तुमको भी आना चाहिए। तो चलो गाइस आगे का राइड कंटिन्यू करते हैं। ओके गाइस जस्ट नाउ जो है हम लोग दुधनोई में आके पहुंच गए, ये है दुधनोई चैराली। हम लोग जो है उस साइड से आए तो अभी हमको लेफ्ट टर्न लेना हुआ तो हमने लेफ्ट टर्न ले लिया। तो यही वाले रोड से जाता है सीधा सूर्य पहाड़, तो यहाँ से सूर्य पहाड़ और 19 किलोमीटर लेफ्ट है तो हम लोग मंजिल के करीब ही है। तो चलो आगे राइड का मजा लो। तो गाइस हम लोग फाइनली दुधनोई से थोड़ा सा आगे आके पहुंच गए एंड यहाँ पे ये वाला ब्यूटीफुल सा जगह देखने को मिला। एंड रोड जो है ना गाइस पूरा सीधा रोड है एंड रोड भी पूरा खाली है, तो भाई क्या अच्छा लग रहा है गाइस देखने में। आप लोग देखिए ना एक बार नज़ारा, ओ माई गॉड, एंड पूरा नीला नीला आसमान। तो यहाँ से हम लोग का डेस्टिनेशन देहरादून ही है, अप्रॉक्स 10 या 12 किलोमीटर के आसपास होगा। तो चलो देखते हैं। तो गाइस फिलहाल हम अभी एक ब्रिज के ऊपर है एंड ब्रिज के नीचे का व्यू देखिए गाइस कितना मस्त व्यू आ रहा है भाई। मेरा तो कैमरा एक ही बैटरी लेके आया इसलिए मैं आपको ज़्यादा दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन रास्ते में जो है ना गाइस इतना अच्छा अच्छा व्यू देखने को मिल रहा है ना भाई कि आपको क्या ही बोलो भाई, बोलने का कोई शब्द नहीं है। Few moments later. ओके गाइस हम लोग फिर से जो है थोड़ा सा आगे आके रुक गए बिकॉज ये जो लोकेशन है ना भाई मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, तो यहाँ पे और थोड़ा सा फोटोशूट होगा मेरा डॉम के साथ, तो इसलिए बोल रहा हूँ इंस्टा पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो ज़रूर से फॉलो करो, काफ़ी अच्छा अच्छा पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। एंड भाई क्या मतलब क्या नेचुरल जगह है भाई, इतना नेचुरल हवा, ऊपर से नीला आसमान, यहाँ पे बीच से एक रोड जाता है वो भी ऐसे ऐसे स्नेक जैसा, भाई क्या ही अच्छा लग रहा है। बस चलो यहाँ से हमारा डेस्टिनेशन यानी सूर्य पहाड़ देहरादून नहीं है, तो चलो फटाक से हम लोग मंदिर दर्शन कर लेते गाइस। हम लोग डेस्टिनेशन में आके पहुंच गए, यहाँ पे लिखा है श्री श्री सूर्य पहाड़, तो लेफ्ट साइड में जाना होगा। जय शिव शंभु। ओके गाइस फाइनली हम लोग अपने डेस्टिनेशन में आके पहुंच गए, तो ये है सूर्य पहाड़ का पार्किंग एंड लोकेशन जो है ना गाइस कितना पीसफुल जगह है, ओह माय गॉड क्या ही बोलूं गाइस। ओके गाइस हम लोग फाइनली सूर्य पहाड़ में आके पहुंच गए, तो सूर्य पहाड़ का एपिसोड आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा, तो नेक्स्ट ब्लॉग कल या परसों आएगा, तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करो सूर्य पहाड़ का ब्लॉग देखने के लिए। एंड गुवाहाटी टू गोलपारा का रोड ट्रिप आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट करना। तो गाइस आज का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब कर देना ऐसे धमाकेदार वीडियोज़ के लिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट का ही दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। तो रिक भाई ये भी है हमारे सामने, तो भाई सूर्य पहाड़ का ब्लॉग आएगा बहुत जल्द, आएगा बहुत मज़ा आएगा, तो चलो। ओके गाइस सीढ़ी से नीचे आके हम लोग को ये वाला विष्णु यज्ञ मंदिर मिला। पहाड़ का ऊपर की साइड में चोटी में आके पहुंच गए एंड यहाँ पे तीन तीन दो ये बड़ा बड़ा शिवलिंग है एंड भाई ऊपर से ये वाला पेड़ का व्यू कुछ इस तरह का दिखता है, वो वाला जो पत्थर देख रहे हो वहाँ पे एक बड़ा सा शिवलिंग है। तो गाइस अभी हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो गाइस ये जो पत्थर में आप लोग देख रहे हो इतना बड़ा बड़ा शिवलिंग, तो यहाँ पे लोग बोलते हैं 99,999 शिवलिंग है, वो माय गॉड गाइस क्या अच्छा सा जगह है।